दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर इरफान खान के लाइफस्टाइल और उनकी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। भले ही आज इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी हमारे दिलों में वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे। अगर आप इरफान खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनका रियल नेम है शाह बाजादे इरफान अली खान। ये प्रोफेशन से एक्टर एंड प्रोड्यूसर है। इनका जन्म 7 जनवरी 1976 में जयपुर, राजस्थान, इंडिया में हुआ और उनकी डेट 29 अप्रैल मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हुआ। इनकी डेट कॉज थी, इरफान खान की डेट कैंसर से हुई थी। इरफान खान को कॉलन इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 29 अप्रैल बुधवार को उनकी डेथ हो गई। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से की। उसमें उन्होंने डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स आर्ट्स किया था। अब बात करते हैं इरफान खान के करियर के बारे में। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक टीवी के धारावाहिक सीरियल से की, जिसका नाम था चाणक्य सीरियल। इस चाणक्य सीरियल में उन्होंने अहम रोल निभाया था। अब बात करते हैं इनके मूवी के बारे में। इनकी फर्स्ट मूवी थी सलाम बॉम्बे, जो कि 1988 में आई थी और उन्हें इस मूवी में छोटा सा रोल मिला था। इरफान खान ने अपनी ज़िंदगी में 30 से भी ज़्यादा मूवी में काम किया है, लेकिन उन्हें असली पहचान मकबूल, रोग, लंच बॉक्स, मेट्रो एंड हिंदी मीडियम से मिली। उनकी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंग्रेजी मीडियम और वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी मूवी थी। इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड मूवी में भी काम किया है, लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक वर्ल्ड। अब बात करते हैं इरफान खान के फैमिली के बारे में। इरफान खान के निधन के कुछ दिनों पहले ही इनके माँ का निधन हो गया था, लेकिन वो अपने माँ के अंतिम संस्कार पर नहीं जा सके कोरोना वायरस के वजह से। इरफान खान के माँ का नाम है सईदा बेगम। अब बात करते हैं इनके वाइफ के बारे में। इन्होंने 1995 में सुतापा सिकदर, जो कि डायलॉग राइटर है, और इनके दो बेटे हैं आयान खान और बाबिल खान। अब बात करते हैं ये रहते कहाँ पर है। इरफान खान ओशिवारे के किसी एक अपार्टमेंट मुंबई में रहते हैं, जिसकी प्राइस 13 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं इनके सैलरी के बारे में। ये पर फिल्म कितना चार्ज करते, तो ये पर फिल्म 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। वैसे तो इरफान खान को लग्जरी कार्स का कोई शौक नहीं था, लेकिन उनके पास एक कार थी जिसका नाम था टोयोटा, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। अब बात करते हैं इनके नेटवर्क के बारे में। इनका नेटवर्क है 360 करोड़ रुपए।